समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में बहस जारी है। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि यूसीसी का समर्थन करते हैं, लेकिन इससे सबको परेशानी होगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से केवल मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हिंदुओं को भी दिक्कत हो सकती है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में उनको ऐसे लग रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ होगी और इसीलिए ला रहे हैं। ठीक है, उनकी बात हम तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन हिंदुओं को भी क्या तकलीफ होगी, होगी कि नहीं होगी, सबके सामने खुलेआम रखो ना आपका। और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले गोवंश हत्या बंदी कश्मीर से कन्याकुमारी तक करो। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता और मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन ने कहा कि अगर हम शरीयत के मुताबिक चलना चाहते हैं तो दूसरों को परेशानी क्यों हो रही है। ये संविधान में लिखा हुआ है, हम शरीयत के कानून अगर हम अपने पर कुछ लागू कर रहे हैं तो किसी दूसरे को तकलीफ क्यों है। अगर इस्लाम पहला वो धर्म है जिसने 1400 साल पहले महिलाओं को उनके पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया था, वो अलग बात है कि लड़के का कितना हिस्सा, लड़की का कितना हिस्सा, ये कुरान शरीफ में इसका हुक्म दिया गया है। कोई भी मुसलमान कुरान पाक को डिनाई नहीं कर सकता अगर वो अच्छा मुसलमान है तो, हम भी नहीं कर सकते। कुरान पाक ने जो हमें हिदायतें दी हैं हम उसी फॉलो करेंगे। ये कानून कितने ही बना दें, इनके कानून का हमारे पास असर नहीं पड़ेगा। वहीं यूसीसी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन के बयान का हनुमानगढ़ी के संत राजू दास ने जवाब दिया है। सपा सांसद एसटी हसन का विवादित बयान ही इसको हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का हम विरोध करेंगे, हम शरीयत को मानते हैं, हम इस कानून को नहीं मानेंगे। पढ़ा लिखा उसके बावजूद भी इनका बयान है कि हम कानून को नहीं मानेंगे, हम सिर्फ शरीयत को ही मानेंगे। इससे पहले यूसीसी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इस बारे में सरकार से बात करेंगे। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में अगर हमें हुकूमत से बात करनी पड़ी या बात करने का मौका मिले तो हम ज़रूर हम बात करेंगे, बात करके अपना मौक़िफ रखेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारी बात के लिए दलील है और उसमें हम जो बात कह रहे हैं वो मुल्क के दस्तूर और संविधान के रूल के मुताबिक है। वहीं आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों से यूनिफॉर्म सिविल कोड की विरोध न करने की अपील की है। मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि यूसीसी की मुखालफत खास तौर से इसलिए भी नहीं की जानी चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो मुसलमानों से ज्यादा हिंदू जितने कबाइल हैं, जितनी बिरादरियां हैं और दूसरे सूबों के लोग हैं उन लोगों को ज्यादा नाकाबिले कबूल है। लेकिन वो लोग खुद इसलिए कुछ नहीं बोल रहे कि उन्हें मालूम है कि मुसलमान विरोध करेगा और उस विरोध का लाभ हमें मिलेगा। मैं मुसलमानों से कहता हूँ एक बार विरोध जिनका नुकसान हो रहा है उनको करने दीजिए, हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विरोध की कमान हम अपने हाथ में लेने को तैयार नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार ने दावा किया है कि अल्पसंख्यक समाज के लोग भी कह रहे हैं कि हम इस पर एग्रेसिव रुख नहीं अख्तियार करेंगे, लेकिन विपक्षी दलों ने बेकार में यूसीसी को लेकर हवा खड़ा किया है।